हुई पैदा मैं इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। वाह। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान, बहुत बहुत आभार आप सभी का। माँ शारदा को नमन करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, और नमन करती हूँ आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को, जो इतने घंटों से इतने धैर्य के साथ हमें सुन रहे हैं और अपना प्यार अपनी तालियों के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं इस शानदार कार्यक्रम के लिए सावन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। पहली बार बनारस की धरती पर आई हूं, दो दिन से स्वास्थ्य बहुत खराब है, गला बहुत खराब है। चाहती हूं कि आपका अतिरिक्त प्यार और आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिले। जो कुर्सियां खाली रह गई हैं, अधिकतर लोग जा चुके हैं, अब इन सब खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर मैं सौंपती हूँ। सुनिए, एक बात बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे नाना जी ने आज़ाद हिंद फौज के सेनानी के रूप में इस देश की सेवा करते हुए काले पानी तक की सजा उठाई, और मैं उस स्कूल में शिक्षिका रही हूँ जिस स्कूल के एक विद्यार्थी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए अगर मैं अपनी कविताओं में देश की बात ना करूं, तिरंगे की बात ना करूं, सेनानियों की बात ना करूं, शहीदों की बात ना करूं, सैनिकों की बात ना करूं, तो मेरी बात अधूरी रहेगी। वहीं से अपनी बात उठाती हूं, मंच का भी साथ चाहती हूं। दोस्तों, एक आरटीआई में एक आवेदक ने सवाल उठाया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला, और विडंबना देखिए कि हमारी सरकारों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और इससे भी बड़ी विडंबना देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पुस्तक पढ़ाई जाती है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और उस पुस्तक में सरदार भगत सिंह और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी उनके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। एक सैनिक परिवार की बेटी होने के नाते मन में जो आक्रोश उमड़ता है, उस आक्रोश को इन पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूं। सुनिए, बने जो नींव का पत्थर, उन्हें गुमनाम कर डाला। बने जो नींव का पत्थर, उन्हें गुमनाम कर डाला। कहीं आतंकी कह करके उन्हें बदनाम कर डाला। कहीं आतंकी कह करके उन्हें बदनाम कर डाला। जगह मिलती भला कैसे किताबों में शहादत को, सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम कर डाला। सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम कर डाला। चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूं, प्रतीकों के माध्यम से बात कहूंगी। बात आप तक पहुंच जाए तो अपना आशीर्वाद अपनी तालियों के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं, क्या मिला शहीदों को। शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं, हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं। हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं। यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे। यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे। विरासत में शहीदों की तिरंगे नाम आए हैं। विरासत में शहीदों की, बहुत बहुत आभार। विरासत में शहीदों की तिरंगे नाम आए हैं। मेरे सामने कुछ नौजवान भाई मुझे दिखाई दे रहे हैं, चार पंक्तियां आपके लिए कहती हूं। यहां आशिक हजारों है,
दीवाने लाख रहते हैं, यहाँ आशिक हजारों हैं, दीवाने लाख रहते हैं, रंगीली होलियों के संग रंगीले फाग रहते हैं। टटोलोगे अगर खुद को यकीनन जान जाओगे, तुम्ही में बोस बिस्मिल और वो अशफाक रहते हैं, तुम्ही में बोस बिस्मिल, बहुत बहुत आभार, तुम्ही में बोस बिस्मिल और वो अशफाक रहते हैं। और अब इस देश के हर सैनिक हर शहीद के सम्मान में एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस गीत की एक एक पंक्ति, इस गीत का एक एक शब्द आपकी धमनियों में बह रहे रक्त में एक उबाल उठाएगा। और यदि वो उबाल आप अपने भीतर महसूस करें तो शहीदों के सम्मान में तालियां उठाइएगा। अगर किसी नेता के सम्मान में कोई गीत पढ़ा जाए तब तालियां कमजोर हो तो चलेगा, लेकिन जब किसी सेनानी के, किसी सैनिक के सम्मान में गीत पढ़ा जाए तब तालियां हरगिज कमजोर ना हो। मंच का भी मैं आशीर्वाद चाहूंगी, आप सबका मन चाहती हूं, सुने। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूली बिसरी हुई जो निशानी हुए। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूली बिसरी हुई जो निशानी हुए, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी हुए। ए वतन याद कर। अभी हाल ही में हमारे एक सैनिक का 16 साल तक बर्फ में दबा हुआ पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, और अब जाकर 16 साल के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ है, तब कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए, बर्फ की चादरें ओढ़ कर, माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए, बर्फ की चादरें ओढ़ कर, सीने छलनी हुए गोलियों से मगर वो न लौटे कभी, पीठ को मोड़ कर सर झुका कर के जीना गवारा न था, सर उठा कर मरे स्वाभिमानी हुए। ए वतन याद कर। दोस्तों, बहुत आसान होता है एक नेता बनकर मंच पर खड़े होकर हमारे सेना के प्रमुख को गली का गुंडा कह देना, बहुत आसान होता है एक मंत्री बनकर मंच पर खड़े होकर ये कह देना कि वो तो उनका बेटा शहीद हो गया इसीलिए हम उनके घर गए, वरना तो उनके घर एक कुत्ता भी नहीं जाता। लेकिन बहुत मुश्किल होता है एक सैनिक बनकर सरहदों पर खड़े होकर इस देश की हिफाजत करना दुश्मन की गोलियों के बीच, तब कहती हूं, सुने। थाल में शीस को वो सजा चल पड़े, भारती की महा आरती के लिए, रोशनी से वतन जगमगाता रहे, जिसमें जलते रहे उनके बन कर दिए, मर के भी वो यहाँ यूं अमर हो गए, जैसे गंगा में बहता वो पानी हुए। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूल बिसरी हुई जो निशानी हुए, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी हुए। ए वतन याद कर। बहुत बहुत आभार।